पहले तो जैसे सारे अल्फ़ाबेट सीखे, फिर मात्रास, फिर जब भी रीडिंग होने लगी तो फिर वीरजी सब बताते थे कि ये गुरु है वो, सब मतलब इन्फॉर्मेशन देते थे हर रोज़, तो ऐसे डेवलप हो गया नॉलेज मेरा। नहीं, पंजाबी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बोलने में, हिंदी मुझे चलता है। 11 पट की बाणी और 15 पगत की बाणी है। नाम भी याद? 11 पट के थोड़े मतलब ज़्यादा अच्छी तरह से याद नहीं, पर 15 पगत के अच्छे से याद है मुझे। एक दो दिन में ही याद हो गया, मतलब 11 पट एक दो दिन में और 15 पगत भी एक दो दिन में, क्योंकि पहले जब भी कॉम्पिटिशन्स होते थे या फिर गुरपुरब ऐसे होते थे गुरुद्वारे में, तो हम लोग को बोला जाता था कि आप ये पढ़ो, पढ़ के आओ और गुरुद्वारे में सुनाओ, तो उससे भी थोड़ा बहुत मुझे मेमोरी याद रहती है मेरी। हाँ, क्योंकि आप देखें तो जो पंच प्यारे वो भी सारे सिख कम्युनिटी के नहीं थे, मतलब अलग अलग जगह से आए थे। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब भी पंच प्यारे को बुलाया तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि आप उस धर्म को, आप उस धर्म को उनको मतलब सबको रिस्पेक्ट दी, तो इसलिए ऐसा कुछ तो नहीं है। जब मैंने पहली बार पार्ट लिया था तो मुझे लगा था मैं नहीं कर पाऊँगी, फिर स्टार्टिंग में जब रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग हुआ ना, मेरे को लगा मैं नहीं कर पाऊँगी तो मुझे नहीं कराना चाहिए। फिर यहाँ के वीजी लोगों ने बोला कि एक बार ट्राई कर, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो फिर मुझे पहली बार में कॉन्फिडेंस मिला, तो फिर मुझे लगा कि मुझे सीखना चाहिए और नॉलेज मिलेगी मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार और लेते, तो इस बार मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज मिली गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में, पाँच तख्तों के बारे में और बारह में हमारे पाँच श्री अकाल तख्त साहिब, श्री हरमंदर साहिब, श्री केसगढ़ साहिब, श्री पटना साहिब, श्री हजूर साहिब। मुझे सिख धर्म में अच्छा लगा कि जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे ना, उन्होंने कभी भी किस भी जाति धर्म में ना भेदभाव नहीं किया, वो सब जातियों को अपनाते थे, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, चाहे कुछ भी हो। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं जाऊँगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। पर मेरी मम्मी ना स्टार्टिंग में बोल रही थी कि तू क्या करेगी पढ़ के, तो फिर मैंने बोला मम्मी मैं और नॉलेज लूँगी तो मेरा तो उसमें कुछ बुरा है नहीं। गुरबाणी का फरमान है, सबे सांझे वाल सदायन किसे ना दिसै बारा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस तरीके दे ना गुरु साहिबान ये बाणी च फरमान करते ने, तो अज असी गल करांगे कि गुरु ग्रंथ साहिब जी जो कि सांझी वालता का प्रतीक ने, जिथे साडे सिख धर्म के सिख दर्शन करते हैं गुरु साहिब जी नू नतमस्तक होंदे ने, उत्थे ही अज असी गल करांगे जो कि हिंदू धर्म के बच्चे बच्चियां भी गुरु घर आउंदे ने। असी जदों बॉम्बे पहुँचे तो बॉम्बे गुरुद्वारा साहिब विच आए तो उत्थे गुरमत कैंप चल रहा सी, पर हैरानगी दी गल सी कि उस गुरमत कैंप दे विच जो इतों के ना सिख वसते ने, उत्थे ही दूजिया कम्यूनिटी के जोड़े लोग है, बच्चे है, गुरु घर के नाल बहुत ज़्यादा अथाह प्यार रखते हैं। प्यार ही नहीं रखते, सिख धर्म बारे जानकारी भी रखते ने। असी आ तीन बच्चियां नू मिले सी जो कि हिंदू कम्यूनिटी तो ने, पर गुरु घर हर रोज़ आते ने, और जे कोई गुरमत कैंप भी हुंदा उन्हूं मिस नहीं करते, वो हर एक गुरमत कैंप नू भी अटेंड करते हैं। इतों तक कि नितनेम दीआं बाणियां भी याद ने, जाप साहब की बच्चे की संथ्या चल रही है। असी जे सिख धर्म के बच्चों की गल करिए बहुत घट होणगे जो अपने बाणी बाणे विच पूरे होणगे, पर इत्थे हिंदू कम्यूनिटी तो भी बच्चे आ जिहड़े वो गुरु नाल जुड़ के गुरु ग्रंथ साहिब जी बारे जानना चाहते हैं। एक किवें स्पिरिट इन्हां दे विच आई, किवें सिखां ने अपनी पहचान इन्नी कायम की कि दूजे धर्मां नूं भी अपने नाल जोड़ के रख लिया। सो गलबात भी करांगे, साडे नाल बच्ची मौजूद आ, और ये भी जिहड़ियां तुसीं तीन बच्चियां देख रहे ये भी हिंदू धर्म तो बिलोंग करदियां ने, ते इस गुरु घर दे विच आ के रोज़ अपनी जिहड़ी सेवा करदे ने बाणी पढ़दियां ने। सब तो पहला स्वागत करदे, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। नाम क्या बेटा आपका? स्नेहा लता। और नाम मतलब उम्र क्या है आपकी? 13 साल। और आपकी? मेरी 12 साल उम्र है। ओके, नाम क्या आपका? निकिता त्रिपाठी। त्रिपाठी है। और आप? लता हो है? सीमा। स्नेहा लता पूरा नाम है, सीमा सरनेम है जी।
आपको किसने सिखाया कि गुरु घर में आना चाहिए, है ना, यहाँ पे बानी पढ़नी चाहिए, हर एक चीज़ को सीखना चाहिए? नहीं, मतलब ऐसे किसी ने पर्टिकुलरली सिखाया नहीं है, मतलब वो अपने आप डेवलप हो जाता है सब में। अब जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर अभी वहाँ का आप थोड़ा सा बोल चाल सीख ही लेते हो, तो फिर मेरी मम्मी भी बोलती है कि सारे धर्मों का थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए कि बड़ों के मदद होगा थोड़ा बहुत, तो इसलिए ये नेचुरली हो गया, क्योंकि मैं अभी पंजाबी कॉलोनी में रहती हूँ इसलिए वो डेवलप हो गया अपना नेचुरली। ओके, मतलब कि जो आप कॉलोनी में रहते हैं उसका नाम भी शेर पंजाब है ना, यहाँ नगर गुरु नानक नगर है। हाँ। जो शेर पंजाब में पड़ता है इसमें, तो हाँ मतलब घाटकों पर में वो पड़ता है, यहाँ पर कंपटीशन में बोल के हम आते हैं, तो इसलिए अभी गुरु नानक नगर है कॉलोनी का नाम, ऊपर से मोस्ट ऑफ द पीपल पंजाबी है, पंजाबी कम्युनिटी से, इसलिए थोड़ा सा अच्छी लगती है आपको भी? हाँ, मतलब ऐसा कोई सा ऐसा नहीं है कि मुझे ये कम्युनिटी पसंद या फिर मुझे ये पसंद है, सारे मुझे पसंद आते रिलीजन्स, क्योंकि सबका एक अपना अपना एडवांटेजेस रहते हैं, मतलब एडवांटेजेस इन द सेंस कुछ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स रहते हैं जो मतलब बहुत अच्छे रहते हैं, तो इसलिए सारे धर्म मुझे पसंद आते हैं। लेकिन आपने तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की जानकारी, बाणी और गुरु ग्रंथ साहिब में कितने है ना गुरुओं की बाणी है, कितने पाठ है, कितने गुरु साहिबान है, सबका ही आपने मतलब कि याद किया हुआ है? मतलब पहले तो मैं नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह पढ़ी, पर उसके बाद जब भी मैं मेरे सारे मात्रास कम्प्लीट हो गए, मतलब पूरे। सबसे पहले क्या सीखा आपने, कहाँ किसने सिखाया आपको? पहले एक दीदी है अमृत दीदी नाम की, पहले मेरी मम्मी को मैंने बताया कि ऐसे क्लास होता है पंजाबी क्लास, तो मेरी मम्मी बोले कि हम लोग पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि मेरी मम्मी को तो पंजाबी आती नहीं, फिर वो दीदी मेरे घर आके बोली कि नहीं हम सब पढ़ाएंगे, तो मतलब वो दीदी की वजह से मतलब मैं मम्मी फिर बोल पाई कि हाँ ठीक है आप जाओ, तो फिर पहले तो जैसे सारे अल्फ़ाबेट सीखे, फिर मात्रास, फिर जब भी रीडिंग होने लगी तो फिर वीरजी सब बताते थे कि ये गुरु है वो सब, मतलब इन्फॉर्मेशन देते थे हर रोज़, तो ऐसे डेवलप हो गया नॉलेज मेरा। हर रोज़ वीरजी बताते थे और सब सबको ऐसा टास्क भी देते थे कि आप ये याद करके आप वो याद करके आओ, तो इसलिए मुझे याद भी हो गया। 11 गुरु ग्रंथ साहिब की अगर बात करते तो क्या जानते हैं आप उसके बारे में, कि मतलब उस उन मतलब बेसिक नॉलेज जैसे कि कितने गुरु है, कितने तख्त है, उस सब के बारे में, और अभी मैंने ग्रुप क्विज में भी इस कॉम्पिटिशन में ग्रुप क्विज में भी मैंने लिया था, तो उसका भी थोड़ा बहुत नॉलेज है जी। किन्ने पट्टा दी बाणी है, किन्ने भगतान की बाणी है? हाँ, 11 पट दी 11 पट। पंजाबी बोल सकते हो राम नाम? नहीं, पंजाबी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बोलने में, हिंदी मुझे चलता है। 11 पट की बाणी और 15 भगत की बाणी है। नाम भी आते हैं 11 पट के, थोड़े मतलब ज़्यादा चित्र से याद नहीं, पर 15 भगत के अच्छे से याद है मुझे। सुनाइए फिर। भगत जयदेव जी, भगत नामदेव जी, भगत त्रिलोचन जी, भगत परमानंद जी, भगत सदना जी, भगत पैणी जी, भगत रामानंद जी, भगत तना जी, भगत पिप्पा जी, भगत सैन जी, भगत कबीर जी, भगत रविदास जी, बाबा शेख फरीद जी, भगत पिखण जी, भगत सुरदास जी। जी, और पट्टा के नाम जिन्हें आते हैं, पटकल साहर जी, पट जालब जी, पट कीरत जी, पट मथुरा जी, पट साल जी, पट बाल जी, पट नाल जी, पट ज्ञानद जी, पट मथुरा जी, पट बाल जी, पट हरबंस जी, हो गया ये याद। पूरे 11 दे 11 ही सुना गए, हालांकि तुसी कह रहे सी ते ये सारा कुछ कितना टाइम लग गया तुहानू सीखण दे विच? मतलब ये मतलब एक दो दिन में ही याद हो गया, मतलब 11 पट एक दो दिन में और 15 भगत भी एक दो दिन में, क्योंकि पहले जब भी कॉम्पिटिशन्स होते थे या फिर गुरुपुरब ऐसे होते थे गुरुद्वारे में, तो हम लोग को बोला जाता था कि आप ये पढ़ो, पढ़ के आओ और गुरुद्वारे में सुनाओ, तो उससे भी थोड़ा बहुत मुझे मेमोरी याद रहती है मेरी कि मैंने ये पढ़ा था कि नहीं, इसलिए ईजी हो जाता है पढ़ना मेरे लिए। जब आप गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान ले रहे थे तो उसमें आपको ये भी पता चला कि ये ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब जो सबको मान्यता देते हैं, इक्वालिटी इसमें ज़्यादा है? हाँ, क्योंकि आप देखें तो जो पंच प्यारे वो भी सारे सिख कम्युनिटी के नए थे, मतलब अलग अलग जगह से आए थे, फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब भी पंच प्यारे को बुलाया तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि आप उस धर्म को उनको मतलब सबको रिस्पेक्ट दिए, तो इसलिए ऐसा कुछ तो नहीं है। मुझे लगता है सिर्फ इस कम्युनिटी में नहीं, किसी भी कम्युनिटी में ऐसा किसी पर्टिकुलर धर्म को दिया नहीं जाता, सारे धर्म को इक्वली मानते हैं, पर वो ऐसा पर्टिकुलर लोग रहते हैं जो अपने धर्म को मतलब सिर्फ अपने धर्म को ही ज़्यादा ऊंचा मानते हैं, उस वजह से ये डिफरेंसेस पैदा होते हैं सारे कम्युनिटी में, नहीं तो सारे कम्युनिटी इक्वल ही रहते हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें कि आप नितनेम की, आप नितनेम भी करते हो और सुबह उठ के ही करते हो? हाँ, क्योंकि हम पंजाबी क्लास में हमारा संथा भी चलता है, इसलिए ये अपने आप डेवलप हो जाता है। कि क्या अभी क्या सीखा अब तक आपने? अब मेरा पहला जपजी साहिब की संथा हुई है, मतलब पूरा कंठ नहीं हुआ पर संथा हुई है, और जाप साहिब का भी चल रहा है। ओके,
मतलब कि जपजी साहब में आता है आपको कुछ? नहीं ज़्यादा नहीं आता, अभी ज़्यादा कंठ नहीं हुआ, वही मतलब ज़्यादा कंठ आता है। हाँ पढ़ना, मतलब पढ़ना मुझे हर चीज़ आता है पंजाबी में। ओके, मूल मंत्र सुनाओगे? एक ओंकार सतनाम करता पुरख एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरख अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। जी बिल्कुल। और क्या जानते हैं आप सिख धर्म के बारे में? बस बेसिक नॉलेज, ज़्यादा डीप नहीं जानती मैं। पांच प्यारे दे नाम भी आते हैं तो? हाँ जी पंच प्यारे, पाए दया पाई दया सिंह, पाई तरम सिंह, पाई हिम्मत सिंह, पाई मौकम सिंह, पाई साहिब सिंह जी। और थोनू पता है कि ये सिख धर्म दे विच किवें कुर्बानी की? गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने किवें अपने साहिबजादियां नू शहीद कर दिता, और किन्ने वो साहिबजादे सी? नहीं मुझे कैसे शहीद है वो तो याद नहीं, पर ग्रुप किस में मैंने पढ़ा था कि कैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी बने, मतलब कैसे बने थे पूरी तरह से। जी कैसे बने थे? पहले गुरु नानक देव जी पहले उनके जो साथ जो उनके मतलब बोल सकते हो जो उनके साथ हमेशा रहते थे मर्दाना जी। हाँ। वो गुरु नानक देव जी एक समुंदर का भी नाम नहीं पता, पर एक समुंदर था उसमें वो शायद एकदम पाठ कर रहे थे, फिर कुछ तो कर रहे थे याद नहीं, पर वो एकदम समुंदर के अंदर थे। और भाई मर्दाना जी सोच और 3 दिन तक समुंदर के अंदर थे जी, वही नदी दे। हाँ तो फिर जब भी वो बाहर आए तो भाई मर्दाना जी ने पूछा कि आप इतने दिन से आप कैसे जीवित रहे? तो वो पूछा कि फिर वो गुरु नानक देव जी बोले कि मैं अकाल तक जा गया था और मुझे वहाँ से मूल मतलब फिर उधर से हमें मूल मंत्र मिला था, तो फिर उन्होंने उच्चारा मूल मंत्र। फिर इसी तरह से गुरु ग्रंथ गुरु नानक देव जी को जो भी उस आता था सारा जो हुक्म आता था अकाल तक से उन्होंने एक बुक में बोल सकते लिखा नोट किया। फिर जो सेकेंड गुरु आए उन्होंने गुरु नानक देव जी ने जब भी वो अकाल पुरख जाने वाले थे तभी उन्होंने वो जो अपनी बुक था जहाँ पर उन्होंने सब अपना लिखा था जो हुक्मनामा था वो सब सेकंड गुरु को दे दिया, और सेकंड गुरु को भी यही करने बोला था। ऐसे जाके जब भी जिवें जिवें बाणियाँ वो रचते गए उवें उवें लिखते लिखते अगे जिहड़ी कि वो बाणी फिफ्थ गुरु तक जब तक वो गए तब तक मतलब फिफ्थ गुरु तक वो आद ग्रंथ बन गया था। फिफ्थ गुरु जी ने सारे बाणियों को एक साथ डाल दिया था। हाँ फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो जैसे कि जो प्रीति चंद आई थिंक सो प्रीति चंद जी थे उनके वारिसों ने गुरु आद ग्रंथ पे अपना हक जमाया, उस वजह से फिर बाकी जो गुरु थे उनकी बाणियाँ दर्ज नहीं हो पाई आद ग्रंथ। कितनी गुरु साहिबान की बाणी है? 6 गुरु आद ग्रंथ में 5 गुरु की बाणी है और गुरु ग्रंथ साहिब जी में 6 गुरुओं की बाणी है जी। और 5 गुरु के अलावा और कौन से गुरु शामिल किए गए थे जिनकी बाणी दर्ज? गुरु तेग बहादुर जी की बाणी और शामिल हुई थी 9th गुरु के, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐड करवाई थी अपने पिताजी की बाणी। और जो जाप साहिब बाणी है वो बहुत ज़्यादा है ना मुश्किल होती है, आप उसकी संध्या कर रहे हैं, आपको डिफिकल्ट नहीं लग रहा? लगता है क्योंकि कुछ वर्ड्स बोलना भी थोड़ा मुश्किल होता है तो थोड़ा हार्ड भी पड़ता है, क्योंकि फिर भी कर लेते हैं। हाँ मतलब वीर जी मदद कर रहे जो संध्या। स्टार्टिंग में जाप साहिब की शुरुआत कैसे होती है वो पता है आपको? मूल मंत्र से उतना तो मुझे याद नहीं है, जाप याद नहीं है वो मुझे। अच्छा बाकी कर रहे हैं आप धीरे हाँ। धीरे आप सीखना चाहते हैं सब कुछ? हाँ मतलब नॉलेज मिले तो अच्छा, नॉलेज लेने में कुछ बुराई तो नहीं है तो इसलिए नॉलेज लेना अच्छा है जी, इसलिए मैं लेना चाहती हूँ जी। आप गुरमित कैंप लगा रहे हो और हमने ये भी सुना कि आप स्पीच वगैरह भी वहाँ पे करते हैं। हाँ जी। आपके मन में कैसे आया कि हमें सिख धर्म की नॉलेज लेनी चाहिए, इसके बारे में भी सीखना चाहिए? मुझे ना नई नई भाषा सीखने का बहुत ज़्यादा शौक है, जैसे अभी मैंने 4 टाइप की भाषा सीखी हुई है, 5 टाइप की, एक मैंने पंजाबी सीखी है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश और अभी मैं उर्दू भी सीख रही हूँ। ओके तो इसके लिए फिर मैंने सोचा इस पंजाबी में भी मैं एक बार पार्ट लूँ। जब मैंने पहली बार पार्ट लिया था तो मुझे लगा था मैं नहीं कर पाऊँगी, फिर स्टार्टिंग में जब रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग हुआ ना मेरे को लगा मैं नहीं कर पाऊँगी तो मुझे नहीं कराना चाहिए। फिर यहाँ के वीजी लोगों ने बोला कि एक बार ट्राई कर, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो फिर मुझे पहली बार में कॉन्फिडेंस मिला तो फिर मुझे लगा कि मुझे सीखना चाहिए और नॉलेज मिलेगी मुझे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार और लेते। तो इस बार मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज मिली गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में, 5 तख्तों के बारे में और 12 हमारे 5 श्री अकाल तख्त साहिब, श्री हरमंदर साहिब, श्री केसगढ़ साहिब, श्री पटना साहिब,
श्री हजूर साहब। ओके, और जो मतलब कि पांच ककार होते हैं सिखों के, उसके बारे में भी नॉलेज है? उसके बारे में तो इतनी नॉलेज है, पर पता है वो कौन से पांच ककार हैं? कौन से? केस, कड़ा, गंगा, कशहरा, कृपाण। जी, ये आपने सीखा है यहीं? यस। और क्या क्या सीखते हैं इस गुरमत कैंप में आप? मतलब गुरमत कैंप में हम लोग गुरुओं की कितनी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, और 10 गुरुआं दे नाम, 10 पातशाह, 3 गुरसिखा दे नाम, ये सब चीज़ें हम सीखते हैं। और वहाँ पे हम लोग को ना गुरुमत क्लास में संध्या भी कराई जाती है, मतलब जपजी साहब। वहाँ पे कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं लगता ज़्यादा, क्योंकि वहाँ के वीर जी बहुत हेल्प करते हैं पढ़ने में, बहुत, जिससे इस वो ऐसा मतलब कुछ ट्रिक लगाते हैं जिससे हमको फिर वाणी पढ़ने में बहुत ईजी हो जाता है, ज़रा भी हार्ड नहीं लगता। सीखने से पहले अच्छा क्या लगा आपको सिख धर्म में, जो आप सीखने के लिए एग्री? मुझे सिख धर्म में अच्छा लगा कि जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे ना, उन्होंने कभी भी किस भी जाति धर्म में ना भेदभाव नहीं किया, वो सब जातियों को अपनाते थे, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, चाहे कुछ भी हो। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं जाऊंगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। पर मेरी मम्मी ना स्टार्टिंग में बोल रही थी कि तू क्या करेगी पढ़ के, तो फिर मैंने बोला मम्मी मैं और नॉलेज लूँगी तो मेरा तो उसमें कुछ बुरा है नहीं। मम्मी ने बोला ठीक है जा। फिर जब धीरे धीरे मेरा प्रोग्रेस हुआ ना, तो मेरी मम्मी ने बोला कि अब तुझे और भाषाएं सीखनी चाहिए, तो फिर इसी वजह से फिर मैंने बाद में उर्दू पढ़ना भी चालू किया। अभी मैं कुछ दिन बाद दूसरी लैंग्वेज भी स्टार्ट करूँगी पढ़ना। ओके, इसके शौक है आपको सब भाषा सीखने का? हाँ, मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज कलेक्ट करने का शौक है, ताकि मतलब आगे कभी बड़े होकर काम आए तो मेरे लिए अच्छे कि हाँ मुझे पहले से आता है। लेकिन आप जैसे आपने बताया कि आपकी जो कम्युनिटी है ना, जो आपका एरिया है, वो भी गुरु नानक साहिब जी के नाम पे है, तो इसीलिए आपने सोचा कि अगर रहते ही पंजाबियों के बीच में तो सब कुछ सीखना चाहिए। हाँ, क्योंकि फिर अभी जैसे कि मेरे मोस्ट ऑफ द दोस्त पंजाबी कम्युनिटी से ही है, तो फिर अभी पंजाबी कॉलोनी में रहते हैं, तो अभी अगर हमें फ्री में और वो भी मतलब एक नॉलेज मिल रहा है, तो अभी नॉलेज लेना कुछ बुराई नहीं है, तो नॉलेज हमेशा साथ में ही रहता है। तो इसलिए मुझे भी वैसे पसंद है सारे लैंग्वेजेस सीखना, इसलिए मैं सोची कि सीख लेते ये भी। जी, बहुत धन्यवाद जी। सो एक साढ़े सिख धर्म के बच्चों लिए बहुत वड्डी सेध है कि जे बच्चे सीख के अज दूजिया नू सिखा रहे हैं, तो कि साडा फर्ज नहीं बनता कि असी भी अपने बच्चों इन्नी नॉलेज दईए? अगर इंग्लिश, पंजाबी जां होर भाषावां जिहड़ियां सीखणियां जरूरी है, अज विदेशां नू जाण दी दौड़ दे विच तुसीं जा रहे हो, पर ये नहीं सोचते कि अपनी पंजाबी माँ बोली, अपने गुरु साहिबाना दी दित्ती बाणी नू अपने मन दे विच विसारीए, अपने मन नू इन्ना पक्का करिए कि कदे भी गुरु दे सिद्धांतों तो दूर ना होइए। अज ये सानू सेध दे रहे ने कि पंजाब दे विच रहिंदे पंजाबियां दे बच्चे आ क्यों सिखी तो टुटते जा रहे हैं, क्यों पतित पुणे वाल जा रहे हैं, क्यों अपने सिखी नू सामने रहे गए। जुड़े रहो रोज़ाना स्पोक्समैन दे नाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।